नमस्कार दोस्तों आओ सी आज के चरण में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही जरूरी है जैसे कि आप जानते हैं मैं हमेशा वही चीजें आपको सिखाती हूँ जो शायद आपको कोचिंग वगैरह में नहीं सीखने को मिलता है तो जैसे कि मैंने अभी तक आपको सिखाया है कि का को का को यानी कि सी को का कब पढ़ते हैं सी को सा कब पढ़ते हैं एस को ज़ा और सा कब पढ़ते हैं बहुत सारे रूल्स मैंने ऐसे सिखाए हैं जो शायद हमें किताबों में भी नहीं मिल पाते हैं और हमें कोचिंग में भी सीखने को नहीं मिल पाते हैं आज का टॉपिक जो है बहुत ही अलग है अभी तक जो मैंने सिखाया है उस टॉपिक में मैंने ये चीजें नहीं सिखाई है तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं संयुक्त और अतिरिक्त अब ये संयुक्त और अतिरिक्त क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं संयुक्त यानी कि जो दो शब्दों से मिलके बनता है जैसे कि त्र रा इसको बोलते हैं। अब इसे त्र बोलते हैं, तो ये तो ही शब्द है तो इसको हम संयुक्त क्यों बोलने इसमें क्या दो शब्द है तो देखिए इसमें दो शब्द है जैसे कि त प्लस रा, रा। अब ये दो शब्दों से मिलके बना है जैसे कि त और रा से त्र बना इसलिए इसको संयुक्त बोला जाता है संयुक्त चार शब्द होते हैं जो संयुक्त शब्द होते हैं वो चारों कौन से हैं आज हम जानेंगे और इसको जैसे कि देखिए ता का टी होता है रा का आर होता है तो तिरा हमारा इसी तरीके से लिखा जाता है टी आर एक मिनट आपको दिख नहीं रहा है मैं थोड़ा सा अलग ऊपर को लिख देती हूँ एक मिनट यहाँ आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टी आर कि की ताका टी और रा का आर ओके तो आपको समझ में आया कि संयुक्त तो क्या होता है जो दो शब्दों से मिलके बनता है जैसे कि तरा हो गया, गया हो गया और बाकी सारे मैं भी लिखवा दूंगी अब हम जान लेते हैं अतिरिक्त तो क्या होता है अतिरिक्त बहुत ही डिफिकल्ट है जो आपको शायद इंग्लिश में पता होना तो बहुत ही जरूरी है और हिंदी में भी बहुत जरूरी है हिंदी में तो साहित्य को पता भी होता है लेकिन इंग्लिश में ये कंफ्यूजन होती है कि इंग्लिश में कैसे लिखे जैसे कि ड डा का डी होता है आप सोच रहे होंगे सिंपल है लेकिन यहाँ पर में डी तो होता है इस वाले डा की बात करते हैं तो डा का डी होता है लेकिन डा के नीचे जो बिंदी होती है ये भी डा है और ये भी डा है तो ये दोनों ही डा है और अगर हमें स्पेलिंग लिखनी हो यानी कि अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो हम इसका डी लिखेंगे तो इसका भी क्या डी लिखना है या फिर इसके लिए कुछ और लिखा जाएगा क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला लिखना है या ये वाला आज हम ये सीखने वाले हैं ये होते हैं अतिरिक्त जिसको दो तरीके से होते हैं और इनके मतलब भी दोनों अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं ठीक है तो ये हुए अतिरिक्त और संयुक्त अब आपको समझ में आया कि अतिरिक्त क्या होते हैं और संयुक्त क्या होते हैं हिंदी में आपको ये सिखाया जाता है कि जो थोड़े धीरे बोले जाते हैं वो ये वाला ड होता है जो तेज बोला जाता है वो ये वाला होता है शायद लेकिन इंग्लिश में ये चीजें देखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि इंग्लिश में कैसे पता चलेगा तो इंग्लिश में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं और ये एक टॉपिक सीख रहे हैं इसी तरीके से आप शुरू से लेके लास्ट तक इंग्लिश सीखने के सारे रूल सीख सकते हैं जैसे आपको अगर आप YouTube पे सीख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मुझे कौन सा कब पहले सीखना है कौन सा बाद में सीखना है ये कैसे पता चलेगा तो आपको यू वीडियो ढूंढनी पड़ेगी फिर आप सीख भी लेंगे तो आपको आप सोचेंगे अभी मेरा कोर्स पूरा हुआ है या नहीं लेकिन अगर आप कोचिंग करते हैं तो हम आपको शुरू से लेके लास्ट तक सारे टॉपिक कराएंगे जिसमें आप संयुक्त तो और अतिरिक्त मैं अपने कोचिंग के बच्चों को करवा चुकी हूँ लेकिन आप लोगों को अब करवा रही हूँ अगर आप चाहते हैं कोचिंग की कुछ वीडियो आपको पता चले आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब होगा रेड कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे उसको टच कीजिए और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ जो वीडियो होती है कोचिंग की वो आपको सीखने को मिलेगा जो की बहुत ही महंगी फीस वाली होती है लेकिन आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है और हाँ एक चीज और मैं बता दू कि आप लोगों के लिए फीस कम कर दी गई है अगर आप चाहें तो आप ये एडमिशन करा सकते हैं क्योंकि 20 तारीख तक एडमिशन चालू है और अगर आप 20 तारीख से पहले पहले कोचिंग में एडमिशन कराते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है एक तो कोचिंग साथ के साथ बुक फ्री मिलेगी और क्लास के नोट्स भी मिलेंगे अब बुक मिल रही है तो नोट्स का क्या काम है आप लोग ये सोच रहे होंगे देखिए बुक जो है उसमें हिंदी जो है बहुत ही डिफिकल्ट है बहुत ही मुश्किल है उसको आपको थोड़ा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा आपको समझ में नहीं आएगी वो हिंदी क्योंकि बिल्कुल शुद्ध हिंदी है लेकिन जो हमारे नोट्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल हिंदी होती है जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरीके से मैंने खुद से लिखे हैं मेरे जो कोचिंग के नोट्स से तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखे हैं जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे जो कि मैं रोजाना नोट्स देती हूँ और क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है और जूम ऐप पे क्लास चलती है अगर आप चाहते हैं क्लास करना तो मैं आपको नंबर लिख देती हूँ इस नंबर पे आपको कॉल करना है और हाँ नौ रात को कॉल ना करें अगर कॉल करना है तो दस से ग्यारह कर सकते हैं यानी कि सुबह दस बजे से लेकर रात को ग्यारह बजे तक आप कॉल कर सकते हैं लेकिन नौ बजे ना करें रात को क्योंकि नौ बजे क्या होता है क्लास चल रही होती है नौ बजे हमारी जूम ऐप पे क्लास चलती है कोचिंग की तो उस टाइम हम बिजी होते हैं तो आपकी क्लास में यानी कि कॉल नहीं उठा पाते हैं तो नौ बजे ना करें अगर आपको कॉल करनी है रात को तो दस बजे करें दस से ग्यारह बजे तक लास्ट है उसके बाद मॉर्निंग में करें सुबह के टाइम दस बजे ठीक है तो चलिए मैं आपको नंबर लिख देती हूँ ताकि आप कॉल कर सके फिर हम इसको जितने भी अच्छे से समझेंगे ओके ये हमारा नंबर है एट टू एट सेवन थ्री फाइव टू जीरो नाइन सिक्स हिंदी में बोल देती हूँ आठ दो आठ सात तीन पांच दो जीरो नौ छ इसको लिख लीजिए और हाँ अगर आप बाहर रहते हैं सऊदी में दुबई में दूर रहते हैं और आपका इस न, ये नंबर नहीं लग पा रहा है कभी कभी क्या होता है जैसे दूर होते हैं तो नंबर नहीं लग पाता है तो आप WhatsApp पे मैसेज कर दीजिए आपके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी सिर्फ हाई का आपको मैसेज करना है और आपके पास कोचिंग की सारी डिटेल आ जाएगी कैसे आपको एडमिशन कराना है और कितनी फीस है कब कब क्लास चलेगी दो क्लास चलती है एक दोपहर के दो बजे क्लास होती है जिसमें लिखना सिखाया जाता है और एक रात को नौ बजे क्लास होती है जिसमें पढ़ना सिखाया जाता है ये एक घंटे की क्लास होती है और एक घंटे की यह भी क्लास होती है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं कॉल की जगह क्योंकि कभी कभी नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं तो कॉल नहीं लग पाती है और बहुत सारी कॉल आती है तो कुछ इस वजह से भी कॉल नहीं लग पाती है लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको डायरेक्ट सारी डिटेल मिल जाएगी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चलिए आप मेन टॉपिक पे आते हैं और आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम सीखते हैं तो ठीक है मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ संयुक्त के चार चार शब्द होते हैं जैसे कि पहला है छ क श श क ठीक है क्योंकि क और श से मिलके बना है ये और आ क्यों लिखा गया है देखिए आ हर कोई सा भी शब्द होगा ना कोई सा भी शब्द उसमें आ जरूर आता है याद रखिएगा ये छोटा आय बड़ा आ होता है तो आका डंडा लगता है ये छोटा आय ना हर शब्द में छिपा होता है इसीलिए हम जब कभी भी कोई नाम लिखते हैं तो उसके साथ ए लिखते हैं क्योंकि आ हमेशा छिपा आता है अब तो सिर्फ लास्ट में नहीं लिखते हैं क्योंकि लास्ट में आ नहीं आता है अगर आका ठंडा होगा तभी आपको लिखना है तो वो टॉपिक हम बाद में छेड़ेंगे अभी हम संयुक्त के बारे में जानते हैं ठीक है तो पहला तो ये है संयुक्त और इसका इंग्लिश में क्या होता है के एस अब के एस कैसे हुआ का का के होता है सा का एस एच होता है और इसका ए अभी नहीं लिखना है हमें ठीक है उसके बाद दूसरा कौन सा है दूसरा है त तो प्लस र अब ये प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि ये दोनों जोड़े जाएंगे यहां पर जैसे ये जुड़ा इसीलिए यहां पर प्लस लगाया है और आ इससे क्या बनेगा त, र, त्र याद आया कुछ इसको क्या लिखेंगे त्र तो ता सिंपल मैं यहां पर इसका खुद नहीं लिखूंगी आप देखिए ता का क्या होता है टी होता है रा का क्या होता है आर होता है तो इसका क्या आएगा टी आर आएगा समझ में आ गया ना तो ये संयुक्त है दो लिख दिए दो और लिख देती हूं क्योंकि यहां पर भी है ना दिख नहीं रहा है आपको पता है ये और नहीं लिखा जाएगा तो मैं दो और लिख देती हूं ओके फिर मैं शॉर्ट में लिख दूंगी और आप लोग लिख लेना मैं दो मिनट का आप लोगों को टाइम दूंगी लिखने का ओके उसके बाद अभी मैं क्योंकि ऐसे समझा रही हूँ तो अभी मैंने आ, बाद में दोबारा से लिखवा दूंगी ठीक है यहां पर आप देख रहे हैं साथ के साथ लिखते रहिए अगर ज्यादा अच्छा होगा फिर आपको लिखने के लिए ये भी नहीं रहेगा कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो अभी आप साथ के साथ लिख दीजिए आप देखिए शाह का क्या होगा एस एच होता है रा का क्या होता है आर होता है तो श्र है ना सिंपल आ का कुछ भी नहीं लिखना है अभी हमें ये हो गया हमारा तीसरा चार होते हैं ना संयुक्त तो इसमें तीन हमने लिख दिए और ये चौथा कौन सा है वो अभी लिखवा देती हूँ ज प्लस इसको अड़ा बोलते हैं लेकिन इसको कभी कभी ग्यो की भी आवाज आती है जैसे कि ग्या जी वाइन ठीक है तो ये चार मैंने आपको लिखवा दिए हैं आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं चार संयुक्त होते हैं अतिरिक्त कितने होते हैं वो भी लिख लेते हैं तो एक सेकेंड का टाइम दे रही हूँ ये भी लिख लीजिए क्योंकि मेरा रूल्स है मैं कोचिंग में भी जब पढ़ाती हूँ तो दो मिनट का टाइम देती हूँ लिखने के लिए ताकि आपको आगे तक याद रहे और जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना तो हमारी आदत होती है कि उस चीज को हम पढ़ के लिखते हैं और जब हम किसी चीज को पढ़ के लिखते हैं ना तो हमें बहुत जल्दी याद होता है एक चीज याद रखिएगा कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ के और लिखेंगे तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहता है और अगर आप सिर्फ ऐसे ही देख के आपको याद हो गया नहीं देख के कभी भी कोई चीज याद नहीं होती उसको पहले थोड़ा सा देख के ध्यान देना पड़ता है उसको ये सोचना पड़ता है तब भी आप सीख पाएंगे चलिए अब मैं अतिरिक्त लिखवा देती ओके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाना चाहती हूँ मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है सब्सक्राइबर मेरे लिए आप लोग जरूरी है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास मिल पाए वो भी फ्री में ठीक है तो कम से कम आपको हफ्ते में दो क्लास तो फ्री मिलेगी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस वजह से मैं आपसे बोल रही हूँ आप हम टॉपिक सीखेंगे अतिरिक्त तो डाका क्या होता है डी होता है और इस वाले डा का क्या होता है क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं है लेकिन इसके नीचे बिंदी है तो इस वाले डा का क्या फर्क होगा इसमें ए डी आ जाएगा ओ ड अड़ा ड अड़ा ये हो जाता है अड़ा और ये हो जाता है ड समझ में आया क्या फर्क है इसमें अगर कहीं पर भी ये वाला डा होगा तो ए डी लिखना है और सिर्फ ये वाला डा होगा सिर्फ डी लिखना है ठीक है उसके बाद है ये चार ये जैसे संयुक्त के चार होते हैं वैसे अतिरिक्त के भी चार होते हैं जैसे कि पहला दूसरा एंड तीसरा कौन सा है तीसरा है हमारा ड तो इसका यानी कि डी एच और अगर इसके नीचे बिंदी होगी तो इसको क्या लिखेंगे ए डी एच यानि अ अढ़ो अढ़ ड अढ़ यानी कि इसमें भी ए आ जाएगा तो कहीं पर भी अगर ये वाला डा होगा तो डी लिखिए बिंदी होगी तो ए लगा दीजिए ये होगा तो डी एच लिखिए और ये होगा तो ए एच लगा दीजिए आप समझ में आया संयुक्त तो और अतिरिक्त में क्या डिफरेंस होते हैं अब मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल समझाती हूँ जैसे कि कुछ नाम होते हैं जो इस तरीके से लिखे जाते हैं और संयुक्त वाले भी ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए कि हाँ भाई इसको ऐसे लिखा जाता है तो मिनट रुकिए मैं मैं लिख देती फिर मैं आपको समझाऊंगी आप इतनी जल्दी से इसे लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं लिख के दे रही हूँ किसी भी वीडियो में नहीं मिल पाएगा हाँ हिंदी में मिल जाएगा लेकिन इंग्लिश में लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है लेकिन जब मिलना ढूंढना ही है तो इसी में से लिख लीजिए फिर क्यों इतना ढूंढना डाली करेंगे है ना तो जल्दी से लिख लीजिए अब मैं इसके आगे का लिखवा देती हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ ठीक है तो एक मिनट रुकिए बस सेकेंड मुझे एक चीज और भी लिखवानी है जो मैं भूल गई पहले मैं वो लिखवा देती हूँ फिर मैं आपको ये लिखवाऊंगी कुछ और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं शब्द होते हैं जो अक्षर होते हैं जो थोड़ी सी ना अलग तरीके से लिखे जाते हैं मैं पहले वो लिखवा देती हूँ जैसे कि ज अब ये वाला ज तो सबको पता है लेकिन इस जा के नीचे अगर बिंदी होगी तो क्या लिखेंगे जैड लिखेंगे ओके उसके बाद फ तो सबको पता है लेकिन वाह के नीचे अगर बिंदी होती है तो क्या लिखते हैं पीएच लिखते हैं और अगर बिंदी नहीं होगी तो एफ लिखेंगे समझ में आया उसके बाद है वाह वा का क्या होता है वी होता है लेकिन वाह का डब्ल्यू भी होता है कब होता है डब्ल्यू अगर तेज आवाज है तो डब्लू और धीमी आवाज है तो वी समझ में आया तो ये भी लिख लीजिए उसके बाद थोड़े से और भी ऐसे होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं जैसे कि आधा और ठीक है उसके शीक विषय पढ़ते हैं म इश्म। इस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ तो इसलिए आधा आदर्शाह बता रही हूँ वैसे ईश्म इस तरीके से पढ़ेंगे उसके बाद प्र, पी, आर अगर कहीं पर भी जैसे ये है पी के नीचे आधा र है तो हमें इसको कैसे लिखना है पी आर लिखना है अगर कोई भी मात्रा भी है ना जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर मात्रा है तो आपको वो मात्रा ना इनके बीच में नहीं लिखनी है जैसे पी के बाद आपने मात्रा लिख दी फिर आर लिख दिया नहीं पहले आपको पी आर लिखना है फिर यहाँ पर जो मात्रा है, यहां लिखनी है यहाँ लिखनी है ठीक है इसलिए याद रखिएगा आधा रा हो तो पहले आपको पा का पी लिखना है फिर रा का इसी तरीके से अगर आधा शाह और माँ है तो पहले एस लिखना है फिर एम लिखना है फिर यहाँ पर मात्रा लिखनी है तो आधे शब्दों का याद रखिएगा इस तरीके से लिखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिख लीजिए अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो मत लिखिए मैं सिर्फ आपके लिए बोल रही हूँ उसके बाद हम सीखेंगे अः कल कल नहीं तो परसों मैं वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इसके आगे का सिखाऊंगी जो ऐसे अक्षर होते हैं यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो हमें जे जितने भी मैंने लिखवाए इन सब को कैसे लिखना है ये सब सिखाएंगे ठीक है तो अगर आप चाहते हैं आगे सीखना तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारी फैमिली मेंबर बन सके और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगा हो एक परसेंट भी कि मैंने ये चीजें आपके काम की सिखाई है और आपके लिए बहुत जरूरी थी अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल है तो आप मत कीजिएगा लाइक ठीक है और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज जो नंबर हमने बताया है उस पर आप पूछ सकते हैं ओके चलिए बाय